हम इस फिल्म के निर्देशक हैं। हम सबसे बड़ा खुशकिस्मत अपने आप के आज समझते नहीं कि हमरा के दुर्गा प्रसाद मजुमदार जी अपन फिल्म के डायरेक्टर बनेले हैं। बहुत सौभाग्य की बात बा, मतलब समझ ली कि आदि शक्ति इंटरटेनमेंट जरा सर पे हो क्या डर बा। एक जमाने से ये उम्मीद रहे कि दादा हमरा के एज ए डायरेक्टर कोई फिल्म देस, तो बड़ा मजा आई है कि दादा के बात ही कुछ और बा। आदि शक्ति इंटरटेनमेंट सैकड़ों फिल्म फाइनेंस कर ले बड़न, बनेले भी बड़न दुश्मनी अपने जमाने के बहुत बड़ा हिट पिक्चर रहे, बहुत बड़ी स्टार कास्ट के पिक्चर रहे। तो आज ओकरा बाद रंगीला में क्या खास बात है? रंगीला में मेरा एक रंग निकल के आएगा। हम हमेशा फिल्म बनाते हैं, अलग हट के फिल्म बनाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने मेरी फिल्म हथकड़ी देखा होगा, अदालत देखा होगा, इंतकाम देखा होगा आप लोगों ने। मेरा हमेशा अलग हट के एक सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी जो है रंगीला मेरा हीरो जो है एक अलग हट के चिंटू जी दिखेंगे इस फिल्म में। मतलब उनको देखने के बाद आप लोग कहेंगे वाह क्या बात है। रवि जी, अगर बात करें चिंटू की इस फिल्म में चयन की, तो क्या ऐसा कुछ कहानी है जिसको कि चिंटू को ही इसमें फाइनलाइज किया गया है, या चिंटू ही इसमें फिट बैठता था, ऐसा क्या कुछ खास बात? एकदम कहानी के अनुसार जो मेरा कैरेक्टर है ना, रंगीला कैरेक्टर है, वो इस एज का था कि इस एज में सिर्फ चिंटू ही बैठते थे। और उनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है और सब फिल्मों में, तो मैंने दादा को बोला दादा इस फिल्म में चिंटू ही सबसे बेस्ट बैठ सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा एक्टर नहीं, इसलिए हमने उसे सजेस्ट किया और सिलेक्ट किया। रवि जी क्या कहना चाहेंगे सर आज चिंटू का रंगीला फिल्म पर? तो फिल्म के नाम से ही रंगीला चटपटा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को जो ये चैनल देख रहे हैं इस दौरान, और जो हमारे प्यारे जो बैठे हुए हैं, उनको मेरी तरफ से यानी राजकुमार और पांडे की तरफ से ढेर सारा प्यार नमस्कार। और आज रक्षाबंधन है, चूंकि रक्षाबंधन के मौके पर ये फिल्म की मुहूर्त हुई है, तो ये भाई बहन का त्यौहार ये सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि वो रिश्ता जो ब्लड का रिश्ता होता है, जो शायद दोबारा मौका मिले ना मिले, कभी जीवन हो, कभी अगर जन्म और मरण का खेला होता है तो दोबारा जन्म हो और वही भाई बहन आए या ना आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस पावन रिश्ते के पर्व पर जब ये फिल्म की मुहूर्त हुई है, मैं सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और चूंकि हर भाई की हर बहन की नजर में उसका भाई बहुत बेस्ट होता है, बहुत बड़ा हीरो होता है, सिर्फ चिंटू ही नहीं बल्कि हर भाई हीरो होता है। और भाई की भी ड्यूटी बननी चाहिए, फर्ज बननी चाहिए कि अपनी बहन की नजर में हमेशा बेस्ट रहे और हमेशा हीरो रहे, अच्छे कार्य करता रहे। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। और बात है रंगीला की, चूंकि ये फिल्म रंगीला है और रंगीन है, रवि जी ने हमारे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन्होंने टाइटल डिसाइड किया, दादा हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो हैं उन्होंने टाइटल डिसाइड किया। और चूंकि आदिशक्ति एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, एक ऐसी कंपनी है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि मौका है और भोजपुरी सिनेमा में कभी फाइनेंस नहीं हुआ करता था, मतलब जोड़ तोड़ करके फिल्में बनाई जाती थी और बनती थी। हमारी फिल्म थी लागल ढाहे राजा जी, दादा ने शुरुआत की और दादा उसके पहले छोटे छोटे लोगों को फाइनेंस करते रहते थे, लेकिन पूरी तरह से दादा ने उसको फाइनेंस किया और तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों को आदिशक्ति एंटरटेनमेंट ने फाइनेंस किया है। यानी आप अगर आइडिया लेकर अच्छा आते हैं और आपके पास एक्टर अच्छे हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो ये कंपनी हमेशा आपको फाइनेंस करती रही, आपको फिल्म बनाने की दिक्कत भोजपुरी के अंदर नहीं आई। और आगे तमाम लोगों ने फिल्में बनाई है, अपने आइडियाज को बनाया है, दर्शकों तक अपने दिमाग में जो उनके उपजा हुआ आइडिया सबको दिखाया है। और चूंकि उसके लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत हुई, जिसके लिए कंपनी हमेशा तैयार थी। रंगीला मन रंगीला हो जाए जन जन रंगीला, बरसे सा रंग खुशियों का हो संग, खुशियों का हो संग। ये जो अभी अचानक बनी हो दो लाइनें मैंने ऐसे गुनगुनाया, संगीत इसके बहुत अच्छे होंगे, गाने पर मेहनत होगी, चूंकि भोजपुरी फिल्म है और भोजपुरी में अगर गाने अच्छे ना हो तो हमारे दर्शक जो हैं उनको बहुत मजा नहीं आता। स्टोरी गाने बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके बाद जो परफॉर्मेंस होता है एक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए, वो लोग अगर उस तरह से उस चीज को परफॉर्म कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरी एक फिल्म है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उसका मैं गाना जो मैंने गाया है वो गुनगुना सकता हूँ, उसको मैं लाइन गुनगुना सकता हूँ। तू है पत्थर दिल जाने जाना, बड़ा महंगा ये दिल का लगाना, हाय रे दिल तोड़ दिया,
तड़पता छोड़ दिया, हाय रे दिल तोड़ दिया, तड़पता छोड़ दिया। लेकिन आप सब मत तड़पिए।